Hello guys, welcome to our channel Assam Competitive Academy. Hope you all are doing really well. अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम अपने इस वीडियो में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट पोस्ट के एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल साइंस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पहले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ये हमारे इस सीरीज का थर्ड वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द एंटिटी डेट इज द फोकस ऑफ जेनेटिक्स इज, तो आपका जो एंटिटी है जो जेनेटिक्स का फोकस रहता है वो क्या है। जेनेटिक्स बोलने से ही यही चीज आपका दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए डीएनए। जेनेटिक्स बोलने से ही आपका डीएनए सबसे पहले आपके दिमाग में आता है क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक्स का मेन एंटिटी है। तो चलिए और कुछ जानकारी जान लेते हैं। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन्स जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ये रहा आपका जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या होता है, ये एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो जीन्स को लेके स्टडी करता है और जेनेटिक वेरिएशन एंड ऑल। जीन्स क्या होता है, वो होता है आपका जो बेसिक यूनिट है हेरिडिटरी का, जो पेरेंट्स से आपका ऑफस्प्रिंग्स में आपका जो क्वालिटीज जाता है पेरेंट्स का, तो वो कैसे जाता है, जीन्स के थ्रू जाता है वो चीज़, तो उसी का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, ये आप याद रखिएगा। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका रिबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सिंपल चीज है लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में। डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ टू पॉलियोन्यूक्लियोटाइड चेन्स दैट कॉइल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द डेवलपमेंट फंक्शनिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी वायरसेस। तो ये आपका क्या है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से फॉर्म होता है। चलिए इसमें एक फिगर है, हाँ फिगर देखने से आपको पता चल रहा होगा, इसमें आपका टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है इसमें, जिससे आपका एक फॉर्मेशन जो शेप आपका फॉर्मेशन होता है वो आपका डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स टाइप का एक फॉर्मेशन होता है। और वो क्या करता है आपका, इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है आपका डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग बॉडी कैसे फंक्शनिंग होता है और ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड ऑल सब कुछ आपका जो है पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स में पास होता है वो किसके थ्रू होता है आपका, आपका जीन्स के थ्रू। और जीन्स के अंदर वही आपका डीएनए के थ्रू आपका ये होता है। और इसमें आपका चार नाइट्रोजीनियस बेसिस के टाइप्स भी मिलेंगे, वो है आपका एडीनाइन गुआनाइन थाइमीन और साइटोसिन, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ डैश इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ द थियोरीज एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। कौन सा स्टडी में आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ थियोरीज और फिजिक्स का जो आपका प्रिंसिपल मेथोडोलॉजीज है वो भी आपका इनकॉर्पोरेट किया जाता है आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको नाम से ही आपको पता चल जाएगा। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स है इसका सही उत्तर, क्योंकि इसमें आपका बायोलॉजी और फिजिक्स का थियोरीज और मेथोडोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है स्टडी के लिए। तो बायोफिजिक्स क्या होता है, बायोफिजिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस दैट अप्लाइज अप्रोचेस एंड मेथड्स ट्रेडिशनली यूज्ड इन फिजिक्स टू स्टडी बायोलॉजिकल फेनोमेना। तो आपका क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है ये, क्योंकि आपका बायोलॉजी और फिजिक्स का आपका एक कॉम्बिनेशन है। और इट अप्लाइज अप्रोचेस एंड मेथड्स ट्रेडिशनली यूज्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में जो यूज किया जाता है उसी को हम अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल फेनोमेना को स्टडी करने के लिए। एग्जाम्पल है आपका बायोफिजिक्स इज यूज फॉर स्टडिंग व्हाट, हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। इसमें भी आपका ये बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है फ्लाइंग का, उसको हम थ्रू फिजिक्स भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि बर्ड्स कैसे अपना फ्लाइट लेता है, कितना इतना समय से आपका विंग स्पैन को स्टडी कर सकते हैं, किस कितना फोर्स से वो लोग आपका विंड के साथ विंड के ड्रैग फोर्स को वो लोग कैसे मतलब जज करते हैं और कैसे टैकल करते हैं एंड ऑल, ये सब आपका फिजिक्स का लॉज को यूज करके हम स्टडी कर सकते हैं, तो इसी को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, Which of the following studies shows the effects of lower temperatures on living organisms? इनमें से कौन सा स्टडी आपका क्या होता है, लोअर टेम्परेचर्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रख के स्टडी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी जो होता है वही होता है जिसमें हम
लोअर टेम्परेचर्स में, काफ़ी लोअर टेम्परेचर्स में आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रख के उनका स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्रायोबायोलॉजी का आपका डेफिनेशन भी है। क्रायोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर्स ऑन लिविंग थिंग्स विद इन अर्थ्स क्रायोस्फीयर और इन स्पेस और इन साइंस। तो इसका आपका क्या है, क्रायोबायोलॉजी क्या होता है, इसमें आपका बॉडी को बहुत ही कम टेम्परेचर्स में रखा जाता है उनका फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए, वो कैसे आपका रेस्पॉन्ड करता है। इसमें आपका कभी कभार तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आपका चला जाता है बॉडी का जो रखने का जो टेम्परेचर होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रायोबायोलॉजी, कोल्ड टेम्परेचर्स में रखते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस जो होता है सेल का, वो किसने पहली बार डिस्कवर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या, रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले आपका न्यूक्लियस ऑफ द सेल को डिस्कवर किया था। तो ये रॉबर्ट ब्राउन का पिक्चर है एक, और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में और जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, उनका जन्म हुआ था 1773 और डेथ हुआ था 1858 को। वो एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, पेलियो बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट एंड पेलियो बॉटनिस्ट हु मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बॉटनी लार्जली थ्रू हिज पायोनियरिंग यूज ऑफ हिज माइक ऑफ द माइक्रोस्कोप। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इंक्लूड, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट में जो आपका है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और ब्राउनियन मूवमेंट। ये भी एक बहुत ही फेमस आपका फेनोमेनन है, ब्राउनियन मूवमेंट जो है या मोशन। अर्ली वर्क ऑन प्लांट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इंक्लूडिंग बींग द फर्स्ट, वो फर्स्ट है जो आपका जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में आपका डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस जो है आइडेंटिफाई किया था जिसने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो किन्होंने सबसे पहले आपका इन्वेंट किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाश्चुर। पाश्चुर ने किया था ये, लुईस पाश्चुर उनका पूरा नाम है। तो लुईस पाश्चुर का ये पिक्चर है, और लुईस पाश्चुर के बारे में हम जान लेते हैं। लुईस पाश्चुर वॉज ए फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिनाउंड फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड पेस्चराइजेशन। उनका एक सबसे रिनाउंड आपका जो प्रोसेस उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो है आपका पेस्चराइजेशन। डिस्कवर नहीं, इन्वेंट किया था, तो वो पेस्चराइजेशन था। पेस्चराइजेशन में आप क्या करते हैं, हीट करके पैथोजेंस जो है, पैथोजेंस को हम किल करते हैं। नॉर्मली जो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस में हम लोग जो हीट करते हैं, इसमें कम टेम्परेचर रहता है, लाइक below 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम हीट करके पैथोजेंस को मारते हैं। तो ये उनका एक और डिस्टिंक्ट जो इन्वेंशन है वो आपका है पेस्चराइजेशन, और स्टेरिलाइजेशन भी है यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे किन्होंने डिस्कवर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोंटजेन। और रोंटजेन का पिक्चर ये रहा, और रोंटजेन के बारे में हम जान लेते हैं। उनका पूरा नाम है विलहेल्म कॉनराड रोंटजेन। वो जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट थे जिनका जन्म 8 नवंबर 1895 को हुआ था। प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ए वेवलेंथ रेंज नोन एज एक्सरेस और रोंटजेन रेस। रोंटजेन रेस भी कहा जाता है एक्सरेस को। एन अचीवमेंट दैट अर्न्ड हिम इनॉगरल नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901। उनको सबसे पहले आपका क्या नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1901 को। इनॉगरल नोबेल प्राइज मतलब सबसे जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फिजिक्स का नोबेल प्राइज है उनको ही मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोफिल कंटेनिंग परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड। क्लोरोफिल जिस परमानेंट टिश्यू में होता है उसका नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज द मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड यूजेस इट्स एनर्जी टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल वही पिगमेंट है जिसके प्रेजेंस के कारण ही प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर पाता है। तो क्लोरोफिल आपका किसके प्रेजेंस में आपका ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है परफॉर्म कर पाता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट आपका प्रेजेंट होना चाहिए क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ फोटोसिंथेसिस आपका जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करने के लिए, याद रखिएगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका
कौन से आपका आपका टाइप का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सीड का, टाइप्स का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्लांट का टाइप्स का, सॉरी। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म्स। और आपका एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है ये भी आप जान लीजिए। एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग ग्लैंड्स एंड हैविंग सीड्स एनक्लोज विद इन दियर फ्रूट। सीड जो है अंदर रहता है फ्रूट के अंदर में, उनको फ्लावरिंग ग्लैंड्स भी कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स को। और जिम्नोस्पर्म जो है उनका जो है आपका फ्लावर्स जो हैव नो फ्लावर्स और फ्रूट्स, उनका कोई फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं रहता। और उनका जो सीड्स है वो नेकेड रहता है, आपका सरफेस ऑफ द लीव्स में अटैच रहता है, उनका कोई फ्रूट नहीं रहता। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से आपका ऑड वन जो है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट में आपका क्या है? एनेलिडा, क्या रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, ये तो आपका सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आर्थ्रोपोडा, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये भी आपका सही है। इकिनोडर्माटा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। और लास्ट में आपका क्या दिया है? एम्फीबिया, सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये आपका स्टेटमेंट कलर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आपका एम्फीबिया में एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है, इसमें दोनों है। तो इसमें जो ऑड वन होगा उसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी एम्फीबिया का जो केस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नेम ए सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट इन यूकेरियोट्स। कौन सा सेल ऑर्गेनेली आपका एब्सेंट रहता है यूकेरियोट्स में, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मेसोजोम्स। मेसोजोम्स आपका एब्सेंट रहता है आपका यूकेरियोट्स में। तो यूकेरियोट्स क्या होता है? यूकेरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल और सेल्स इन विच द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स कॉन्टेन्ड विद इन ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। यूकेरियोट्स इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अदर देन द यूबैक्टीरिया एंड आर्किया। तो यूकेरियोट्स क्या होता है आपका? उसमें आपका सेल जो है डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और आपका जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए होता है इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम्स एंड कॉन्टेन विद इन डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होता है और आपका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए होता है। यही आपका इम्पोर्टेंट आपका करेक्टरिस्टिक्स है यूकेरियोट्स के बारे में। और ये आपका एक यूकेरियोटिक सेल का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इंटरनल व्यू, जिसमें आपका सारा सेल ऑर्गेनेली को आपका दिखाया गया है यहाँ पे। इनमें से आपका इम्पोर्टेंट वाले जो है यहाँ पे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ दी सेल भी पूछते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका साइंस में पूछा जाता है। विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड लाइक पावर हाउस ऑफ दिस सेल, व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।